बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब मीडिया में राव रहे हैं मीडिया शुरू चैनल मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक लेवल पर पच्चीस हजार रूपए दिए जाएंगे फर्स्ट टाइम बिहार सरकार ने 2018 में ये योजना लाई हालांकि 2021 में जो राशि थी पच्चीस हजार उसको पचास कर दिया गया लेकिन जिस तरीके से बिहार सरकार ने इस योजना को लॉन्च की ताकि छात्राएं जो है अपनी आगे की पढ़ाई भी करे और उनको जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ पैसे भी दिए जाए उस तरीके से योजना काम नहीं कर पाई काम इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि विश्वविद्यालय इस पर काफी लापरवाही की तमाम विश्वविद्यालय सिर्फ एक विश्वविद्यालय बिहार के नहीं लगभग जो बिहार में है सभी विश्वविद्यालय का लगभग लगभग यही हाल है तमाम विश्वविद्यालय जो राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय होता है किसी भी राज्य का उसका जो मुखिया होता है वो राजभवन होता है राजभवन तक छात्राओं ने शिकायत किया राजभवन से भी तमाम विश्वविद्यालय को यह हिदायत दी गई कि जो कन्या उत्थान योजना की जो वेरिफिकेशन लेवल पेंडिंग है तमाम विश्वविद्यालय में उसको कंप्लीट किया जाए लेकिन कौन सुनता है यहाँ पर वैसे ही है आप देखेंगे ऊपर तो ये अखबार में रिपोर्ट आई हाल ही में कि राजभवन और सरकार की भी जो है विश्वविद्यालय नहीं सुन रही है विश्वविद्यालय क्यों नहीं सुन रही है अपना इनका एक अलग बहाना है यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि विश्वविद्यालय का जो स्टेटमेंट आता है कि जो वेबसाइट है वो ठीक से काम नहीं करता है आवेदन जो वेरिफिकेशन जो होती है यूनिवर्सिटी में कर्मियों की कमी है सरकारी कॉलेज में तो चलिए पता चल जाता है कि हाँ कौन कौन सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है लेकिन प्राइवेट कॉलेज और सम्बन्ध कॉलेज की बात आती है तो ये पता लगाना पड़ता है कि उस सम्बन्ध कॉलेज या जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें कौन कौन सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और छात्र छात्राओं ने जो आवेदन किया है उस प्राइवेट कॉलेज से जिस सब्जेक्ट से वो उन्होंने स्नातक किया है उस सब्जेक्ट में उस कॉलेज में पढ़ाई होती है तो क्या उस सब्जेक्ट के लिए छात्र छात्रा एलिजिबल है, है कि नहीं है आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय के यहाँ पर तक यहाँ पर साफ साफ है बिहार सरकार ने एन आई की मदद से जो है नई वेबसाइट जो है बनाने के लिए बहुत पहले से इसकी तैयारी कर रही है और आप लोगों को पता था बहुत पहले लगभग दो महीने पहले ही कि जुलाई में जो है आ, नई वेबसाइट जो वह लॉन्च हो जाएगी जैसे कि इस बार टेंथ और ट्वेल्थ के लिए जो है अलग से वेबसाइट बनाया गया था प्रोत्साहन राशि के लिए लेकिन अब तक के स्नातक के लिए नया वेबसाइट जो वह लॉन्च नहीं किया गया नई वेबसाइट लॉन्च न होने के कारण सत्रह हाँ से बीस और अठारह से इक्कीस के छात्र छात्राएं वहीं कुछ हद तक उन्नीस से बाईस के साथ पटना विश्वविद्यालय में पार्ट थ्री उन्नीस से बाईस वाले का कंप्लीट होने वाला है वो छात्राएं भी जो है वह बचे हुए हैं यदि कन्या उत्थान योजना में एक जगह भी अगर छात्र बुला जाता है तो फिर आप जो है उसको स्किप की जाए क्योंकि योजना ही सिर्फ छात्राओं के लिए यहां है यहाँ पर देखिएगा तो अखबार की रिपोर्ट है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक इक्कीस के बाद जो है स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के आवेदन नए सॉफ्टवेयर से विश्वविद्यालय में आवेदन जांच में नहीं अटके इसलिए नया सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया है और यहाँ पर कब से उस वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा ये अभी यहाँ पर कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया है और नहीं गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट दिया है तो सत्रह से बीस की या अठारह से इक्कीस के या उन्नीस से बाईस के आपके पार्ट थ्री कंप्लीट होंगे उन्नीस से बाईस वाले और तमाम छात्राएँ जो इस राशि के लिए एलिजिबल होंगे उनको इंतजार करना पड़ेगा नए वेबसाइट के लॉन्च होने का जब तक नई वेबसाइट नहीं, नहीं आती तब तक कि आपको जो है आप पुराने वाले वेबसाइट पर आप जो है ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है बंद कर दिया गया यहाँ पर देखिएगा तो कौन कौन जो है छात्राएं एलिजिबल होंगे कौन कौन कोर्स के लिए तो स्नातक में तो आर्ट साइंस कॉमर्स है ही साथ ही मैनेजमेंट में आप बैचलर डिग्री लिए हैं इंजीनियरिंग में आपने बैचलर डिग्री लिया है बिहार के ही यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज से साथ ही मेडिकल की कोई डिग्री ली है या पत्रकारिता या उसके समकक्ष कोई स्नातक का डिग्री आपने लिया है तो आप जो है एलिजिबल हैं लेकिन विश्वविद्यालय और जो आपका कॉलेज है वह बिहार में ही होना चाहिए तब आप एलिजिबल है भाई जो पुराने छात्राओं ने आवेदन कर दिया है आप देख पा रहे हैं अभी बहुत सारी जो है आवेदन जो है वह पेंडिंग में है देखिएगा यहाँ पर तो इन विश्वविद्यालय में अधिक आवेदन जो है वह लंबी था इसमें बिहार विश्वविद्यालय का भी नाम है जहाँ पर उनतालीस हजार सात सौ आवेदन अभी पेंडिंग में अब है अब मुझसे यदि आप पूछे कि कब तक के हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी जिस हिसाब से कर रही है उस हिसाब से ये कब तक के होगा कोई पता नहीं है कोई रेफरेंस आपके है कोई पहचान तो आप एनी हाउ जो है वेरिफिकेशन करवा लीजिए मेरे हिसाब से वही ठीक रहेगा नहीं तो यदि ऐसे ही इंतजार कर रहे हैं तो फिर इंतजार करते रहिए किसी को पता नहीं आता कि विश्वविद्यालय में भी कि आपका आवेदन जो होगा कब तक वेरिफिकेशन आपके आवेदन का कंप्लीट किया जाएगा वहीं जो नए छात्राओं ने पास किया है नई वेबसाइट लॉन्च की जाएगी कब तक की जाएगी इसकी अभी रिपोर्ट फाइनल नहीं दी गई है जैसे ही नई वेबसाइट आएगी हम आप लोगों को वीडियो बना करके बता देंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपके सीडियो को देखने के लिए